बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज हम स्टफ सामी कबाब बनाएंगे। इसके लिए हम लिए हैं आधा किलो बीफ। ये देखें, आप चिकन से भी बना सकती हैं। और आधा पाव चने का दाल, 5 बड़ी इलायची, 8-9 दाना लौंग का, 8-9 दाना सब्ज़ इलायची, 2-3 बड़ी दालचीनी का टुकड़ा और 10-12 साबित लाल मिर्च और 3-4 जब्बा लहसुन का और थोड़ा सा अदरक कट किया हुआ और 1 चम्मच नमक, 2 चुटकी जाफरानी रंग, आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर चाय की चम्मच से और 2 अंडा, आधी गड्डी पुदीना, 1 नींबू, आधी गड्डी हरी धनिया और 1 बड़े साइज़ का प्याज बारीक बारीक कटा हुआ और 2-3 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ। सबसे पहले हम कढ़ाई में गोश्त डालेंगे और साबित गरम मसाला, साबित लाल मिर्च डालेंगे और अदरक लहसुन डालेंगे और ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर डालेंगे। ये सब डालकर इसमें पानी दाल डालेंगे चने का और पानी डालेंगे 1 गिलास और इसे ढककर पकाएंगे गल जाने तक। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाना ना भूलें। अब इसे पकने देंगे गलने तक। ये देखें गल चुका है, चेक कर लेते हैं। दाल और गोश्त दोनों गल चुका है, पानी भी खुश्क हो गया है इसका। अब इसमें नमक डालेंगे और जाफरानी रंग डालेंगे। आपकी मर्जी है, रंग ना डालना चाहें तो ना डालें, सिर्फ खूबसूरत लगने के लिए रंग डालना है। ये तैयार हो चुका है, अब इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाएगा फिर चॉपर में डाल के महीन पीस लेंगे इसे, जैसे शामी कबाब के लिए पीसते हैं गोश्त और दाल, इसी तरह से बारीक बारीक पीस लेंगे। खूब अच्छी तरह से इसे पीसेंगे। ये देखें बिल्कुल नरम हो चुका है ये। अब एक बाउल में प्याज डालेंगे कटा हुआ और पुदीना, हरी धनिया डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे और नमक डालेंगे थोड़ा सा और नींबू का रस डालेंगे अभी से। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथों से ताकि ये नमक नींबू का रस अच्छी तरह से प्याज पी ले। खूब अच्छे से मसल मसल के इसे मिक्स करेंगे। मिक्स हो चुका है, अब एक प्याले में अंडा तोड़ेंगे। अब इसमें 2 अंडे के बराबर का नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये हो चुका है, अब ये कीमा और दाल का मिक्सचर हाथों पे लेकर इस तरह से हथेली पे फैला लेंगे।
देखें अब इसमें ये प्याज मिर्ची धनिया पुदीना जो मिक्स करके रखे थे इसे डालेंगे इसके अंदर और इसे इस तरह से गोल करके शामी कबाब की शक्ल का बना लेंगे। देखें इस तरह से बन गया है। इसी तरह से सारा बना लेंगे। देखिए सारा बन चुका है। अब इसे फ्राई करेंगे। चूल्हे पे हम तेल डाल के तवा रख दिए थे गरम होने के लिए। ये देखिए अब कबाब लेंगे अंडे में डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से सारा फ्राई करेंगे डीप करके अंडे में। एक साइड से होने देंगे गोल्डन ब्राउन फिर इसे हल्की हाथों से पलट लेंगे। देखिए एक साइड से हो चुका है अभी सारा पलट लेंगे इसी तरह से। अब इसे दूसरे साइड से भी होने देंगे गोल्डन ब्राउन। देखिए ये हो चुका है एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे डिश आउट करेंगे सैलेड के साथ। ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप भी बनाएं बनाएं खाएं आपको भी अच्छा लगेगा। खुद खाएं घर वालों को खिलाएं मेहमानों को खिलाएं खुश रहें आबाद रहें। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। देखें देखने में कितना अच्छा लग रहा है खाने में भी बहुत मज़े का होता है। अब बनाना बहुत आसान है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब एक पीस आपको तोड़ के हम दिखाएंगे इसके अंदर का कि हरा सब्जी कैसा लग रहा है इसके अंदर हरा मसाला। देखिए बिल्कुल वैसी शक्ल है और ये जब खाएंगी तो आपके मुंह में आएगा प्याज हरी धनिया हरी मिर्च बहुत मज़े का लगेगा नींबू के साथ खट्टा खट्टा नींबू वाला।